Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. All right, जी आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच जी हाँ फॉर्मर ग्रेट लेजेंड मैं कहूँगा द मैजिक मैन जी हाँ आपको याद होगा इनको दलीप कुमार इंडियन लेजेंडरी एक्टर उन्होंने ये खिताब दिया था द मैजिक मैन शहनाज शेख पाकिस्तान के मायानाज हॉकी के साबिक खिलाड़ी और इस वक्त पाकिस्तान की इस हॉकी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी इनको एक मरतबा फिर दी गई है और पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग राउंड खेलने उम्मान जा रही है हम इनसे सबसे पहले तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और साथ साथ जानना चाहेंगे कि शहनाज भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और तैयारी कैसी है मतलब जो तैयारी हमारी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए थी ना वो हालात की वजह से नहीं हुई शॉर्टेज ऑफ टाइम भी पीएचएफ के जो मामला थे उनमें जो आपके सामने है सारे यानी जो उखाड़ पड़ा ये चीज़ें वगैरह जिसकी वजह से जो है वो खिलाड़ी डिस्टर्ब हुए लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्योंकि रिजल्ट रिलेटेड आती हूँ और ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ और हमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10-12 दिन मिले लेकिन क्योंकि बच्चे काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं ये तो इंशाल्लाह वी विल फाइट टिल लास्ट तो इंशाल्लाह तो मुझे उम्मीद है कि हम अगर जो हमने सिखाया है इनको बच्चों में और जो हमने जो यहाँ ट्रेनिंग की है जो मिला है तो अगर उन्होंने बच्चों ने इसको अडॉप्ट किया तो हम भाई 8 टीमें हैं जो इस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में हैं जिसको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है पाकिस्तान के पूल में ग्रेट ब्रिटेन मलेशिया एंड चाइना और टॉप 3 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स तो क्या देख रहे हैं चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं हमने रिसेंटली चाइना और मलेशिया को शिकस्त दी है ग्रेट ब्रिटेन से बहुत अरसे से नहीं खेले वर्ल्ड टॉप 3 टीम्स में आती है पाकिस्तान का 16th है अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ देखते हैं आप वैसे तो आजकल की जो है ना 15-16 रैंकिंग की टीमें जो है वो अपना जिस डे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ऑन द डे जो अच्छा उस दिन खेलेगा वो आदमी वो जो जीत लेगा अभी देखिए जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस जो है फाइनल खेल गया तो ये हो के उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अभी प्रो लीग भी खेल रहे हैं अभी मैंने उनके 2-3 मैचेस भी देखे हैं एक मैच हॉलैंड से वो जीते भी हैं और अर्जेंटीना से वो हारे भी हैं लेकिन यह है कि उनको नंबर जो मैचेज हैं बहुत ज़्यादा हैं उनको एज ए टीम है उनके अब देखो ना 5 तारीख की वो वहाँ पर उमान में आ रही है और वो हट ट्रेनिंग कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी अलहमदिल्ला क्योंकि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि हमारा पहला मैच है और वो हमारा डू एंड डाई वाला मैच है तो हमारा ये है कि अगर हम उसको यानी कि अलहमदिल्ला बच्चे खेलें अच्छा और उसको यानी कि हम जीतने में कामयाब हो जाएं तो हमारा ये माइंड सेट भी है कि हम जैसे शुरुआत करते हैं टूर्नामेंट की अगर अच्छी हो तो फिर उसको जो है एंड तक हम जो है तो ये है कि मेरा स्टडी ये है कि हम चलो तो अगर उसको हम जीतते हैं तो फिर आगे मैचेस के लिए हमारे जो होगा और हम नंबर 1 जो है अपना टूर में टॉप करना चाहते हैं बिल्कुल सही टॉप करना चाहते हैं और थोड़ा सा आपने मामला की बात की अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट भारत में हुई आप नहीं जा सके सिर्फ हेड कोच आप टीम के साथ यहाँ हमने देखा ट्रेनिंग करवाते रहे लेकिन मामला की बात है कि वो नहीं नज़र आए सही अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है और आप जा रहे हैं टीम के साथ भी पाकिस्तान की रीसेंट पास में परफॉर्मेंसेज जो एशिया कप की हमने बात की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान की वीकनेसेस आपने नोट की होंगी और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो किन एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है फिजिकल फिटनेस और ऑब्वियसली स्किल्स देखिए आजकल की मॉडर्न हॉकी में 6 जो है ना जो सेफ्टी है 6 मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग है उसके ऊपर काम ज़्यादा होता है नंबर 1 पे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है तो सारा काम फिजिकल का स्टैमिना और फिजिकल आपकी यानी कि उसके बाद फिर आपका बिल्डअप होता है बिल्डअप को उसको कहते हैं अटैक आपका अटैक कितना कंप्लीट है उस पर काउंटर अटैक तो नहीं आप करवा रहे हैं चाहे गोल करने के गोल खा रहे हैं नंबर 3 जो है कि प्रेसिस द्वारा कि आप डिफेंस जो कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि आप जो है वो अपोनेंट को जो है ना मजबूर कर रहे हैं कि वो गलतियाँ करें ये 3 पॉइंट हो गए चौथा पॉइंट आपका होता है रेड कार्नर्स का लेना आगे ये भी है क्योंकि हमारा रेशो जो है फील्ड गोल का 60 है और 20 कार्नर का जो है ना 40 रखा है तो 60-40 का रेशो रखा है इसी तरह
आज कल गोल करना जो है जितना हमें उतना गोल बचाना भी है, तो डिफेंस हो गया। और छठा जो है वो पेंटी शूट आउट है, वो अगर आप लोग नॉकआउट मैचेस में जो है वो आता है। तो ये छह जो है ना एलिमेंट्स हैं जो हॉकी में, इसके ऊपर हमने फोकस किया। और फिजिकल फिटनेस की आपने बात की, चार क्वार्टर हैं बेसिकली 15-15 मिनट्स के, और देखा गया कि पहले क्वार्टर में तो पाकिस्तान फुल ऑफ एनर्जी, पूरा स्टेमिना है, जोर के साथ खेल रहा है और नज़र आता है कि बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वो ग्रेजुअली हमें वो स्टेमिना ना होने की वजह से थर्ड क्वार्टर में जाके फोर्थ में लगता है कि प्लेयर जो है एग्जॉस्ट हो गए, अब वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही, मतलब मूव में भी और डिफेंस में भी वीकनेसेस आ जाती है, फिर हम गोल कंसीड कर लेते हैं, इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की हॉकी में सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो एनर्जी को रिस्टोर करने का एक जरिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी जितनी मर्जी करें। मैं याद है जब मैं पीछे मैनेजर था तो मैं 60-70 जो है 60 मिनट में सब्स्टिट्यूट करता था। तो ये बहुत बड़ा एक वेपन है, और उसके बाद ये मैनेजमेंट का कमाल होता है कि वो किस वक्त सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसको कर रहा है, इंटेलिजेंटली। लेकिन रेगुलर जो है ना एक अमल है ये, देखिए इसके बगैर आप जो है लास्ट 2.5 मिनट जैसे आपने कहा सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला दो चीज़ें हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हम जो है रिजल्ट अटैकिंग ओरिएंटेड नेशन है हॉकी के रूप में ना, तो बच्चों को ये समझाया कि हर रिसीविंग बॉल जो है वो अटैक का पेशकैबा नहीं होता, क्योंकि हमारे हॉकी में बेसिक डोमेस्टिक में भी यह है कि जो बच्चा बॉल पकड़ता है ना वो भागना शुरू कर देता है, तो इससे वो जो है ना बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अब ये हमने उसको एरियाज दिए हैं कि कहाँ तुमने पेनिट्रेट करना है सेल्फ, और कहाँ एज ए टीम खेलना है। वो नंबर टू ये है कि हमने जो है अपना ये सब्स्टिट्यूशन का जो है इसका शार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें यह है कि हम 5-6 मिनट ज़्यादा खिलाएंगे बच्चे को और उसके बाद 2 मिनट का उसको रेस्ट देंगे। तो शनाज भाई, इससे गेम तो ऑब्वियसली बहुत फास्ट हो गया होगा कि फ्रेश प्लेयर फ़ौरन आ जाते हैं, मोमेंटम नहीं गिरने देते, लेकिन कहीं इसमें ऐसा तो नहीं था कि हमारे की प्लेयर्स जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ग्राउंड में रहें उनको हम वापस बुला लें, और उनकी वजह से वो जो गैप आ जाता है वो दूसरी टीम फ़ायदा उठा लें। तो अच्छा, हमने जो आपने जो कहा इंटेलिजेंटली इसको यूज़ करना है, लेकिन पता क्या है मकसद ये है कि इसमें आपने जो कहा है ना उसका मकसद ये है कि हमारा बेंच जो है ना बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जो लड़का निकल रहा है उसको जो रिप्लेस कर रहा है वो एज इट इज़ हो, यदि के ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यदि के ना, लेकिन हमें इररेलेवेंट, हमें उस बच्चे को चेंज करना है, चाहे वो मेगा है या स्टार है, हमें चेंज करना है, क्योंकि हमने पूरा टूर्नामेंट जो है ना उसे खिलाना है, एक मैच नहीं खिलाना है उसको। इसलिए ये गुड लक होती है टीम की कि उसकी जो बेंच है ना तो बेंच बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बेंच स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि अभी जो पिछले 4 महीने की बात कर ली या 6 महीने की, पाकिस्तान मूव तो बड़े अच्छे बनाता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, वो बहुत सारे चांसेस होते हैं, फिर हम बाद में एनालिसिस करते हैं कि यार ये चांसेस अगर हो जाते तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, इवन ड्रॉ कर लेता, तो उस पर भी काम हो रहा है कि जो चांसेस मिस होते हैं। इसको हैंडलिंग ऑफ द बॉल कहते हैं हम लोग। अब देखो ना, ये हैंडलिंग ऑफ बॉल जो है नंबर ऑफ मैचेस जितने खेलेंगे ना आपको उतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा। अभी ये बच्चे 14-12 मैच खेल चुके हैं, जिसमें जूनियर वर्ल्ड कप था, इंडिया में जो चैंपियन ट्रॉफी एशियन गेम, तो अब इनका जो है अब बॉल हैंडलिंग इन साइड द डी जो है ना वो बेहतर हो गया है, मज़ीद बेहतरी हो सकती थी अगर टाइम और ज़्यादा मिल जाता तो इसमें और बेहतरी आ जाती। अच्छा शनाज भी, पाकिस्तान के ये जो टीम है इसमें अभी मेरी बात हो रही थी हम नाम से, कोई 10 जूनियर प्लेयर हैं जो कि जूनियर वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। अच्छा, उनके आने से ऑब्वियसली स्टेमिना उनका बेहतर होगा, एज मैटर करती है, और उनके स्किल्स अभी उतने नहीं होंगे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के थे, तो एक ब्लेंड आपने किया है यंगस्टर और एक्सपीरियंस का, तो ये फ़ायदेमंद है पाकिस्तान। ये गुड लक ये भी है कि हमारा जो ब्लेंड है ना जूनियर का वो ज़्यादा अटैकिंग मोड पे है, वो फॉरवर्ड खेलते हैं, तो हमें हमारा जो है ना ये हमारा प्लस होगा कि हमारे जो यंग लड़के हैं ना वो अटैक बेहतर तरीके से कर सकें, और इसी तरह हमारे जो डिफेंस में हमारे जो पुराने सीनियर खिलाड़ी आए हैं जिसमें यानी ये अमार शकील है, अबू बकर हुआ है, ये चीज़ें हैं, तो ये है ये डिफेंस में खेलते हैं, तो ये सस्टेन कर लेंगे आप उनका प्रेशर। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला जो है ना अटैक को तो पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अटैक पे मैं नहीं कंप्रोमाइज़ करूँ, लेकिन ये है कि हमने कोशिश करनी है कुछ बच्चों को कि भाई एक तो जो है आप एज ए टीम खेलें, कम्पैक्ट हॉकी खेलें, टोटल हॉकी ना खेलें, दूसरा ये है कि काउंटर अटैक जो है
वो कम से कम करवाएं, अगर करवाया भी है तो फिर पीछे हेल्प के लिए आए। ओके, स्टेमिना मैटर करता है कि आप बेशक दूसरे आप में हैं, वहाँ से आपने वापस आना है अपने आप में और डिफेंस करना है। 9/11 दिया हुआ इसका, 9/11 9/11 ओके। अच्छा जनाबी, हमने फॉरवर्ड लाइन की बात कर ली, डिफेंस की करी, गोल कीपिंग, नंबर ऑफ गोल्स बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं पाकिस्तान ने कंसीड किए, तो गोल कीपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? गोल कीपिंग का यह है कि आजकल की हॉकी में जो है ना, गोल कीपर जो की किरदार अदा करता है। अगर गोल कीपर आओगे तो नंबर ऑफ अटैक तो होने हैं, वो कोई टीम 20 दफ़ा कर देगी, कोई 18 कर देगी, तो होंगे, लेकिन जो गोल कीपर अच्छा खेलेगा तो उसके ऊपर हमने बड़ी यानी कि मेहनत की है। हमने अमजद हमारा गोल कीपर का उससे यंग आदमी है तो पाकिस्तान की तरफ से खेला, उसने काफ़ी यानी कि मेहनत शुरू की है, लड़कों को भी समझाया है, तो उसके बाद यह है कि तो गोल कीपर में हमने चेंजेस वगैरह भी किए हैं किसी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो आई होप कि गोल कीपर जो है वो तो हमारा जो है हमें मायूस नहीं करेगा। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेट किया एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो कुछ रूल्स हमारे देखने वालों के लिए कुछ नए नज़र आए कि अगर गोल पोस्ट में गोलकीपर के अलावा बाकी डिफेंडर खड़े हैं, पेनल्टी कॉर्नर की बात करें और उनकी स्टिक की जगह बॉडी से बॉल लगती है, तो पेनल्टी दी जाती है? पेनल्टी ये जो है पेनल्टी स्ट्रोक होता है। ओके, आपको कि पांव से लगे, हॉकी से बॉडी के किसी पार्ट से भी लग जाए अदर देन हॉकी स्टिक, तो वो पेनल्टी स्ट्रोक होगा। वो पेनल्टी स्ट्रोक होगा, तो वो जो है आपको होता है कि पेनल्टी शूट आउट और पेनल्टी स्ट्रोक में फ़र्क है। पेनल्टी शूट आउट जो है ना, वो गोलकीपर वन अगेंस्ट वन सिचुएशन वो ड्रिबल करके जाता है, और पेनल्टी शूट आउट जो है वो पुराना है जिसमें गोलकीपर खड़ा होता है गोल पोस्ट में, तो ये 7-10 से ही है ना, वो जो स्क्वाड है पेनल्टी स्ट्रोक वहाँ से पुश करता है गोलकीपर। अच्छा, उसमें तो ऑब्वियसली गोल पोस्ट में गोलकीपर खड़ा है तो राइट लेफ्ट अगर उसने पिक कर ली, जज कर ली, तो उस हिसाब से डाइव करेगा, लेकिन वन ऑन वन की जो आप बात कर रहे हैं कि वो ड्रिबल करके जाता है, उसकी तैयारी कैसी है? वो ऑब्वियसली इतना हैवी पैक्ड होता है गोलकीपर, उसके पैड्स हैं, बहुत सारी उसकी एक्सेसरीज हैं साथ, लेकिन जो जो फॉरवर्ड है, जो उसके ओपोनेंट है, वो तो आराम से आ रहा, तो वो ज़्यादा एजाइल होगा, उसके भी कुछ किया गया है काम? गोलकीपर को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका मेंटल लेवल जो है बेहतर किया है, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये दो अफराद के दरमियान जंग है, और ये दिमागी जंग कह लें इसको, यानी कि उसमें यही उसको कहा बोलते हुए बताया कि जिस तरह ओपोनेंट जो आता है वो आपको चीट करता है, डाज देता है, वो आप में भी थोड़ा सा ये है ना विदाउट बाल, वो तो विद बाल कर रहे हैं, आप विदाउट बाल ऐसी कोई मैकेनिज्म आप ऐसा कोई उसे मसलन अपना स्ट्रांग पॉइंट जो है उसको दें कि वो उस तरफ जाए ताकि आप उसको डिफेंस कर सकें, तो हमने काफ़ी इस पर काम किया। इंडिया में पाकिस्तान खेल कर आया और मैं कहूँगा कि कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, वही है कि हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और अब हम जा रहे हैं ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग राउंड खेलने, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये क्वालिफाइंग राउंड में जो टारगेट रखा है, जो गोल्स हैं आप लोगों के एम्बिशन, वो पूरे हों और पाकिस्तान ओलंपिक खेले। पिछले कितने अर्से से पाकिस्तान ओलंपिक नहीं खेला? 2016 में। इमेजिन कि पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, आप लोगों के ज़माने में 60s और 70s का एरा कि जब हम बात करते हैं कि रूल कर रहा था पाकिस्तान, और ये कितना अफसोसनाक बात है कि लास्ट 2 ओलंपिक्स पाकिस्तान ने इवन क्वालिफाई भी नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप लोग काम कर रहे होंगे, और आप हमेशा कहते हैं कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट्स इनसाइड द कंट्री, ऑब्वियसली बायलैटरल सीरीज हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग टीम से खेलनी चाहिए, लेकिन जब हम पाकिस्तान में डोमेस्टिक हॉकी की बात करते हैं तो टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए पूरे कैलेंडर ईयर में, हर दूसरे महीने कुछ ना कोई टूर्नामेंट होना चाहिए जिससे आपको पूल ऑफ प्लेयर्स मिले। देखो ना, ये आप वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के माजी का एरा की है, जिसके अब देखो ना ये बच्चे जो हैं, अब इन बच्चों की बात करें, इनको 6-7 टूर्नामेंट खेले हैं और इनको जो है कोई इनका कोई इनको फाइनेंशियली बैकअप कुछ नहीं है बेचारे, ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जहाद कर रही है। अब मैं मुझे एज ए मैनेजर मैं किस तरह इनको हैंडल करता हूँ मुझे पता है, तो इस तरह जो है गवर्नमेंट को एहतियात करनी चाहिए, फाइनेंशियल गेम है आपकी, बहुत कुछ करके दिया हुआ इस हॉकी ने इस कॉम को, इतने अच्छे अच्छे लम्हात जो है वो हमने दिए, जबकि मायूस थी ये कॉम, हमने खुशी के लम्हात लाए 71-72 वगैरह यह सारी चीज़ें वगैरह, तो आई थिंक इसके ऊपर जो है मैकेनिज्म बना दिया, और हमारे मुफ्ती साहब आए हैं, प्रेजिडेंट आए हैं, अब उनको चाहिए कि वो अपना ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाए कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, वो हमको जाके कुछ गोल मांगते हैं, हमें मीस स्टील में जो है वो पैसे मिलते हैं, इससे जो है आई डोंट थिंक तो कि हम वक्त को तो धक्का दे देंगे, लेकिन इसमें जो है वो एक माजी को जो हम जो स्टेटमेंट
वो अपने आप को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, वो हम नहीं ला सकेंगे। राइट जनाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त है। और मैं, आप लोग जा रहे हैं लाहौर और फिर ओमान ट्रेवल करेंगे पाकिस्तान, आपको और आपकी टीम को बेस्ट ऑफ लक के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ की दुआओं की दुआ। थैंक यू। वी हैव विद अस मुर्तजा हु इज अ हॉकी प्लेयर और पाकिस्तान हॉकी टीम जा रही है जनाब ओमान ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले मुर्तजा, आपको वेलकम करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन हैं, कैसी प्रिपरेशन क्या है आपकी? जी, प्रिपरेशन तो हमारी काफ़ी अच्छी जा रही है, कोचेज़ ने और मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है प्लेयर्स के ऊपर, और प्लेयर जो है काफ़ी इंटेलिजेंट और एजुकेटेड है, जो कि कोचेज के प्लान को भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और मॉडर्न हॉकी में ये है, जो बेहतर एग्जीक्यूट करता है वही टीम जीतती है। सही। अच्छा, कितनी टीम्स हैं इस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में और चांसेस क्या हैं पाकिस्तान के? इस क्वालिफाइंग राउंड में जो हम खेलने जा रहे हैं हमारे, इसमें 8 टीमें हैं। okay. और टॉप 3 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। 8 टीमें, उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। जी जी। पाकिस्तान के ग्रुप में कौन कौन सी टीम? पाकिस्तान के ग्रुप में ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया और चाइना। ओके, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया एंड चाइना। तो रिसेंटली हमारा इनके अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड क्या है? जी, जो प्रीवियस टूर्नामेंट था उसमें हमने मलेशिया को बीट किया था 5-1, और चाइना को जो हमने बीट किया था वो 6-1 आई थिंक। ओके, और व्हाट अबाउट ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन से काफ़ी देर हो गई, हमने कोई मैच नहीं खेला क्योंकि हम यूरोप वगैरह कंट्री से कम खेले हैं। तो उनसे जब मैच खेलने जा रहे थे, उनके मैचेस की रिकॉर्डिंग वगैरह देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, उनके प्लेयर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देख के अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे? जी जी, ऐसे ही है, काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है हमारा। हमारा PC अटैक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट PC अटैक है वर्ल्ड का इस टाइम, और उस पर मैं काफ़ी मेहनत किया, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स की। अच्छा मुर्तजा, आप किस पोजीशन पर खेल रहे हैं? जी मैं मिडफील्डर। मिडफील्डर का रोल बताएं ज़रा, कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिडफील्डर, आपको हर फॉरवर्ड लाइन को भी देखना है और आपको बैक को भी देखना है, डिफेंस को भी देखना है। बैकबोन ऑफ द टीम कहा जाता है मिडफील्ड को, और मिडफील्ड अगर अच्छा प्ले करे तो आपकी डिफेंस को भी सपोर्ट मिलती है और अटैक को भी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा स्पेशली गेम में। कोचेस के हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे कोचिंग जो हुई आपकी, आर यू गाइस सेटिस्फाइड? जी जी बिल्कुल, जो मॉडर्न हॉकी चल रही है, जो हम खेल रहे हैं उसी हिसाब से कोचिंग हुई है, और जो हमारे कोचेज हैं शनाज शेख साहब, रबासी, शकील अबासी, खुद भी बहुत बड़ा नाम है, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और जो है बड़ी अच्छी इन्होंने हमें तैयारी करवाई है, और वही मैंने कहा ना, एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है, हम एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद है अनान शाहिद और सलमान, जनाब दोनों पाकिस्तान हॉकी के की मेंबर हैं फॉरवर्ड लाइन के, और एक राइट आउट हैं, एक सेंटर फॉरवर्ड हैं। हनान शायद एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो कि इंडिया में खेला गया, उसमें इन दोनों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज। तो अब ये खेलने जा रहे हैं ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड जो मान जा रही है, और हम आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं। जिस तरह का आपको पता ही है, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है और पाकिस्तान के लिए मेजर एक टूर्नामेंट है, बिकॉज पिछले लास्ट 2 ओलंपिक से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स के लिए, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जिस तरह के आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है टीम का, ब्लेंड है सीनियर और जूनियर का, हमारे जो उनसे हैं 7-8 बीच में सीनियर, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, उसके बाद जो जूनियर वर्ल्ड कप में भी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर, उसको मद्देनज़र रखते हुए 10 प्लेयर उसमें से लिए गए हैं, और ये कॉम्बिनेशन बनाया गया जूनियर टीम का और सीनियर टीम का, और वी आर हैविंग वेरी हाई होप्स ऑन दिस टूर्नामेंट के इंशाल्लाह ताला। अब फर्स्ट टारगेट हमारा ये है कि इस पूल के अंदर पहले इस पूल को क्लियर करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला वी विल गो फॉर सेमीफाइनल्स, और आपको पता है कि टॉप 3 टीम्स ने क्वालिफाई करना है फॉर ओलंपिक्स, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी उम्मीद है और कौम से दुआओं की उम्मीद है। और आप बता रहे थे कि जनाब पाकिस्तान का मलेशिया, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन, चांसेस क्या है पाकिस्तान के? ग्रेट ब्रिटेन टफ है, अभी नाम बताते हैं, नंबर 3 है रैंकिंग में, तो क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? सर पाकिस्तान इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा, हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, हमारा जो सीनियर कोचिज़ का जो मैं